हेलो एवरीवन, वेलकम। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फ्री रेडिकल के बारे में, ओके। और इस वीडियो में हम पूरा बेसिक कंसेप्ट देखेंगे इसका, कि ये कैसे जनरेट होता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ओके। और हाइब्रिडेशन देखेंगे, इसकी स्टेबिलिटी देखेंगे, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने कार्बोकटाइन और कार्बेनाइन के बारे में पढ़ा है, ओके, तो आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी फ्री रेडिकल की स्टडी करने के बारे में, ओके, इस वीडियो को समझने में। तो जैसे फ्री रेडिकल होता है, जैसे हमारे पास कार्बोकटाइन है, वैसे ही फ्री रेडिकल है। तो अगर आपको कार्बोकटाइन के बारे में अच्छे तरीके से पता है, उसकी स्टेबिलिटी कैसे होती है, इसका स्ट्रक्चर, वो भी हमारे पास कार्बोकटाइन की प्रॉपर्टीज होती है, वही सेम हमारी प्रॉपर्टीज क्या होती है फ्री रेडिकल की, ओके। तो अगर आपको कार्बोकटाइन के बारे में अच्छे तरीके से पता है, तो आपको फ्री रेडिकल भी अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा, ओके। वैसे भी मैंने कार्बोकटाइन और कार्बेनाइन के ऊपर वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, तो आप चाहो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हो, ओके। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारे पास फ्री रेडिकल होता है वो क्या होता है, ओके। तो जो फ्री रेडिकल होता है ना, वो क्या होता है, एक एटम भी हो सकता है और एक मॉलिक्यूल भी हो सकता है, जिसके पास सिर्फ एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, ओके। तो आप लिख सकते हो, अगर आपको यहां पे समझ नहीं आएगा, डेफिनेशन समझ नहीं आएगी, हम एग्जाम्पल से समझेंगे, आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा, ओके। तो यहां पे हम लिखते हैं कि फ्री रेडिकल होता है क्या, साथ साथ में लिखते हैं कि फ्री रेडिकल क्या होता है, एन एटम और मॉलिक्यूल, ओके। ये एटम भी हो सकता है या मॉलिक्यूल भी हो सकता है, जिसके पास क्या हो गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, हैविंग एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ओके। तो ये होगा हमारे पास फ्री रेडिकल, ओके। तो ये तो डेफिनेशन है, ओके। अब देखते हैं कि कैसे जनरेट होता है, ओके। तो यहां पे लिख सकते हो, जनरेटेड बाय कैसे होता है जनरेट, होमोलिटिक क्लीवेज की वजह से। और मैंने होमोलिटिक और हेटरोलिटिक समझाया भी था क्या होता है, ओके। फिर से मैं समझाऊंगा, ओके, आप ध्यान से समझना। जनरेटेड बाय होमोलिटिक क्लीवेज या फ्यूजन भी कह सकते हो, ओके। अब देखो, अब ये जो होमोलिटिक क्लीवेज, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, होमोलिसिस भी कह सकते हो, इसको हम बोलते हैं होमोलिसिस। होमोलिसिस प्रोसेस से क्या होता है, फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं, ओके। अब ये जो हमारे पास होमोलिटिक क्लीवेज है, कैसे हो सकती है, ये थ्री प्रोसेस से हो सकती है, विद द थ्री प्रोसेस से हो सकती है। एक तो हमारे पास हो सकता है कि होमोलिटिक क्लीवेज हमारे पास लाइट की प्रेजेंस में हो सकती है, जिसको हम HNU से बोलते हैं, ओके। या अगर हीट प्रेजेंट है हमारे सिस्टम में, तो उसकी वजह से भी हमारे पास होमोलिटिक क्लीवेज हो सकती है। थर्ड आ सकता है कि अगर ये भी ना हो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से भी हो सकती है होमोलिटिक क्लीवेज, ओके। तो ये थ्री प्रोसेस है जिससे क्या हो सकती है, होमोलिटिक क्लीवेज हो सकती है, ओके। अब देखो, जैसे हम एग्जाम्पल करते हैं, हमारे पास एक मोलिक्यूल है ए बी, ओके। ये ए बी हमारे पास मॉलिक्यूल है, ये अटैच्ड है, ए अलग एटम है, बी अलग एटम है, और ये अटैच्ड है एक बॉन्ड के साथ, और आपको पता है एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऐसे, ओके। तो इन्होंने क्या किया, ए ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया होगा, बी ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया होगा, मतलब म्यूचुअल शेयरिंग से कोवेलेंट बॉन्ड जनरेट हुआ होगा इनके बीच में, ओके। तो ये हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड, ये हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं ना, कि ए का एक इलेक्ट्रॉन, ओके, और बी का ऐसे इलेक्ट्रॉन, ओके, ये हो सकता है। अब क्या होगा, यहां पे मैंने लिखा होमोलिटिक क्लीवेज, यहां पे हुई इसकी होमोलिटिक क्लीवेज इस मॉलिक्यूल की, ओके। तो क्या होगा, ए का जो हमारे पास ये बॉन्ड होगा ना, ये वाला होमोलिटिक क्लीवेज को हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे शो करते हैं, ये ऐसे, ओके। इसका मतलब ये है कि हाफ एरो यहां पे और हाफ एरो यहां पे, ऐसे शो करते हैं, फुल एरो तब शो करते हैं जब हमारे पास हेटरोलिटिक क्लीवेज होती है, ओके। जब हमारे पास होमोलिटिक क्लीवेज होती है, तो हम ऐसे बॉन्ड को ब्रेक करते हैं हाफ एरो से ऊपर से और नीचे से हाफ एरो से, ओके। तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर इस बॉन्ड में जो एक इलेक्ट्रॉन था, इसके पास चला गया ए के पास, और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन था वो बी के पास चला गया, ओके। तो यहां पर ऐसे आएगा, बी के ऊपर ऐसे एक इलेक्ट्रॉन प्लस बी, ए के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन और बी के ऊपर ऐसे एक इलेक्ट्रॉन, ओके। तो यहां पे इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, यहां पे भी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन। तो एक को हम क्या बोलते हैं, एक का मतलब क्या होता है ओड, टू का मतलब क्या होता है इवन, ये आपको पता ही है। यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर हो गया ना एटम, पहले तो मॉलिक्यूल था, ओके। तो यहां पर तो कोई भी इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं था, बट जहां पे जब ये होमोलिटिक क्लीवेज होगी, तो हमारे पास दो एटम्स बन गए,
एक के पास क्या, मतलब यहाँ पे हर एटम के पास क्या आ गया, हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया। जब एटम के ऊपर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उसको हम बोलेंगे फ्री रेडिकल। तो यहाँ पे ये क्या है, दोनों फ्री रेडिकल्स, ये क्या है हमारे पास फ्री रेडिकल्स। तो ये तो हमने जनरल केस कंसीडर किया ना, अब हम एग्जांपल करते हैं। जैसे हमारे पास है सीएल बॉन्ड सीएल, ओके, तो हमारे पास ये सीएल टू गैस है, ओके। यहां पे क्या होगा, होमोलिटिक क्लीवेज हुई, होमोलिटिक क्लीवेज में हम देखते हैं, अगर यहां हम ये उठाते हैं एच न्यू, मतलब लाइट की प्रेजेंस में होती है, ओके। तो यहां पे क्या होगा कि इसका एक इलेक्ट्रॉन ऐसे और यहां पे एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा, तो हमारे पास टू सीएल रेडिकल बनेंगे। मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सीएल प्लस सीएल ऐसे रेडिकल, ओके। दो सीएल रेडिकल बनेंगे तो मैंने इसको मर्ज करके ये टू सीएल रेडिकल बना दिया, ओके। तो हमारे पास क्या होगा कि सीएल टू गैस का कि हमारे पास होमोलिटिक क्लीवेज हुई इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो हमारे पास क्या बन गए, दो क्लोरीन रेडिकल, ओके। तो ये हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे हमारे पास है H2O2, मैंने इसको ऐसे ओपन किया, ऐसे लिखा, ओके। ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है, लोन पेयर होते हैं ना, दो ऐसे ही मैंने लिख दिए यहां पे, ओके। अब ये जो मॉलिक्यूल है ना, ये वीक मॉलिक्यूल है। वीक मॉलिक्यूल क्या कैसे है, देखो ये ऑक्सीजन है, यहां पे भी ऑक्सीजन है, यहां पे लोन पेयर ऐसे, यहां पे भी लोन पेयर ऐसे, भी लोन पेयर ऐसे, भी लोन, मतलब यहां पे क्या हैगा कि लोन पेयर की वजह से क्या होगा कि इनमें रिपल्शन होगी, मतलब इनके इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्शन होगी। तो इनमें जो बॉन्ड होगा, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड होगा वीक होगा, ओके। थोड़ी सी हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, मतलब इसकी हम क्या करेंगे, यहां पे अगर हीट प्रोवाइड करते हैं या इसको हम लाइट की प्रेजेंस में रखेंगे तो ये बॉन्ड जल्दी से क्लीव हो जाएगा इन जस्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, क्योंकि ये अनस्टेबल है, ओके। तो क्या होगा, जब मैंने इसको एच न्यू में लेकर आया, मतलब हीट की प्रेजेंस में ये मॉलिक्यूल रखा, तो हमारे पास क्या होगा, ये क्लीवेज होगी। मतलब यहां पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे और एक इलेक्ट्रॉन यहां पे ऐसे डिसोसिएट हो जाएगा, मतलब ऐसे ऐसे प्रोग्रेस हो जाएगी, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा, मतलब यहां पे बनेगा एचओ रेडिकल प्लस ऐसे एचओ रेडिकल, ओके। तो यहां पे हमारे पास कितने बन गए, टू ओएच रेडिकल बन गए, ओके। तो ऐसे होता है। अब एक और एग्जांपल करते हैं, जैसे हमारे पास एक मॉलिक्यूल है पीएच बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, ओके। यहां पे ऑक्सीजन है, अब यहां पे फिर ऑक्सीजन आ गया, ओके, अटैच्ड विद सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड पीएच, यहां पे फिर ऐसे होगा लोन पेयर, ओके, रिएक्ट कराया इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, मतलब इसकी होमोलिटिक क्लीवेज होगी। अगर आपको कोई भी मॉलिक्यूल दे रखा है, ओके, तो यहां पे अगर एरो के ऊपर हीट दे रखा है, एच न्यू दे रखा है, ओके, तो आप समझ जाओ कि वहां पे फ्री रेडिकल जनरेट होंगे, ओके। तो यहां पे क्या होगा, ऐसे ये एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, ये एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो हमारे पास क्या बनेगा, टू पी एच बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड ओ रेडिकल, ऐसे बनेगा, ओके। अब ना ये थोड़ा सा और डिफिकल्ट बन गया, मतलब इसको ना ये जो चीज है ना, ये अनस्टेबल है, ये अनस्टेबल है, ये तो अनस्टेबल थी। अब जब जैसे देखो, अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी में थोड़ा सा चेंज आया, क्योंकि रिपल्शन कम हुई ना, क्योंकि कुछ तो स्टेबिलिटी आई है। वैसे भी आप, मैं आगे बताऊंगा कि ये अनस्टेबिलिटी है तब भी, मतलब आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स, तब भी हमारे पास जो रेडिकल्स होते हैं ना, ये भी अनस्टेबल होते हैं, ओके। बट यहां पे हम कह सकते हैं कि जब फ्री रेडिकल जनरेट हुए तो थोड़ी सी स्टेबिलिटी आई है सिस्टम में, पहले तो अनस्टेबिलिटी थी इनकी रिपल्शन की वजह से, बट यहां पे तो रिपल्शन तो रिड्यूस होगी, खत्म होगी, ओके। मतलब ये लोन पेयर ऐसे अलग हो गए, तो रिपल्शन कम होगा तो स्टेबिलिटी आई है, ओके। बट यहां पे देखो, अनस्टेबिलिटी मतलब यहां पे अनस्टेबिलिटी थी रिपल्शन की वजह से, ओके, बट ये चीज बन गई, आप कह सकते हो ये स्टेबिलिटी है, बट ये मैंने बोला कि अनस्टेबल। अनस्टेबल कैसे है, देखो यहां पे ना एक चीज ऐसे भी हो सकती है कि इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फर्दर ये ऐसे फिर डिसोसिएट करेगा, ओके, तो फिर क्या बनेगा हमारे पास, यहां पे देखो अब ये एक रेडिकल है, अगर इसको दूसरी तरफ से एक और रेडिकल बन दिख जाए, ओके, कहीं से भी एक और रेडिकल मिल जाए, तो क्या होगा, देखो ऐसे होगा ना, अगर यहां पे अब देखो, अब जो यहां पे होमोलिटिक क्लीवेज हुई है, तो क्या होगा, टू पी एच रेडिकल ऐसे बनेगा, ओके, प्लस क्या बनेगा, ये बनेगा टू सी रेडिकल डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड ओ रेडिकल, ये होगा ना। यहां पे इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन्स थे, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऊपर आ गया और एक इलेक्ट्रॉन पीएच के ऊपर आ गया, यही होगा ना। अब देखो ये रेडिकल और ये रेडिकल क्या आप करेंगे, मर्ज होके ये बनेगा सी डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ, ऐसे बनेगा, मतलब सीओ टू बन जाएगी।
यहां पे इस प्रोसेस में CO2 गैस इवॉल्व होगी, ठीक है, इसमें CO2 गैस इवॉल्व होगी मतलब बाहर निकली है। तो इस रिएक्शन का जो ड्राइविंग फोर्स है आप कह सकते हो कि CO2 है। CO2 क्या है? ड्राइविंग फोर्स। ये क्या है? ड्राइविंग फोर्स। ओके, तो मतलब CO2 ने क्या करना था? रिलीज होना था, इसी वजह से ये रिएक्शन हुई है। तो हर किसी रिएक्शन का एक ड्राइविंग फोर्स होता है। ओके, तो ये रिएक्शन किसकी वजह से हुई है? कि यहां पे CO2 गैस रिलीज होना चाहती थी, इसी वजह से ये रिएक्शन हो पाई है, पॉसिबल हो पाई है। ओके, तो CO2 क्या है? इवोल्व। ये क्या है? इसका ड्राइविंग फोर्स इस रिएक्शन का। ओके, अब एक और लास्ट एग्जांपल करते हैं जिसमें फॉर्मेशन होगी हमारे फ्री रेडिकल की। ओके, जैसे हमारे पास एक मीथेन मॉलिक्यूल है, ये ऐसे, ओके, यहां पे मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये ऐसे कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन बनाएंगे ना, कोवलेंट बॉन्ड, मैंने इसको ऐसे शो कर दिया। ओके, अब क्या होगा अगर यहां पे एक फ्री रेडिकल आया, फॉर एग्जांपल CN रेडिकल आ गया। ओके, तो क्या होगा हमारे पास? देखो, अब इस रेडिकल को ना एक और रेडिकल चाहिए, कि जब ये रेडिकल को एक और रेडिकल मिलेगा तो क्या होगा? रेडिकल प्लस रेडिकल क्या बन जाएगा? मॉलिक्यूल बनेगा ना। जैसे इस केस में मैंने किया था, एक रेडिकल ये था, एक रेडिकल ये था, तो दोनों ने आपस में कंबाइन होकर हमारे पास एक मॉलिक्यूल बन गया था, न्यूट्रल, और वो स्टेबल था। ओके, तो इसको भी ऐसा कुछ रेडिकल चाहिए कि ये क्या है, उसके साथ कंबाइन हो जाए और ये क्या है, अपनी न्यूट्रल फॉर्म में आ जाए। ओके, ये पेयर अप कर ले किसी भी एक इलेक्ट्रॉन के साथ। ओके, तो देखो क्या होगा, यहां पे इसके पास दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर इस इलेक्ट्रॉन, इस क्लोरीन रेडिकल को एक यहां से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो क्या होगा? न्यूट्रल स्पीसीज बन जाएगी। देखो यहां से क्या ना, यहां से क्या होगा, एक हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और Cl यहां पे एक इलेक्ट्रॉन, ये आपस में क्या हो गए? कंबाइन हो गए, हमारे पास ये बन गया, यहां पे H, यहां पे H, यहां पे एक रेडिकल बन गया और HCl बन गया। ओके, आपको पता है HCl निकल गया, ओके, रिमूव हो गया। तो यहां पे क्या होगा कि इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन क्या है, आपस में म्यूचुअल शेयरिंग बन गई, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बन गया H और Cl के बीच में। तो ये बन गया हमारे पास न्यूट्रल मॉलिक्यूल, ये बन गया हमारे पास न्यूट्रल मॉलिक्यूल। तो यहां पे क्या होगा कि इस, जब भी हमारे पास फ्री रेडिकल बनते हैं, ये क्या होता है? वेरी हाई रिएक्टिव, वेरी रिएक्टिव है ये। वेरी रिएक्टिव क्यों है? क्योंकि देखो यहां पे जैसे आपको पता ना कि हैलोजन्स होते हैं, हैलोजन्स के पास भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो वो फटाक से क्या करते हैं? रिएक्शंस करते हैं किसी के भी साथ, कि उनको कहीं से भी इलेक्ट्रॉन मिल जाए, ओके, तभी वो रिएक्शन करते हैं ना, कि वो स्टेबल हो जाए, उनका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाए, फुली फिल्ड हो जाए, जैसे नोबल गैसेस का है। ओके, तो ये भी ऐसे ही चाहते हैं कि इनके पास एक और इलेक्ट्रॉन हो जाए, ओके, तो ये भी स्टेबल हो जाए, ओके, तभी ये वेरी रिएक्टिव है। ओके, तो ये क्या करना चाहेंगे? रिएक्टिव क्यों होते हैं? इसका रीजन ये है, मेन रीजन ये है कि इनकी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है पेयर अप करने की, किसी भी अनपेड इलेक्ट्रॉन का, किसी भी अनपेड, अगर आप इनको कहीं पे भी अनपेड इलेक्ट्रॉन मिल जाता है, वो क्या करना चाहेंगे, ये फ्री रेडिकल क्या करना चाहेंगे, उनके साथ पेयर अप करना चाहेंगे। ओके, पेयर अप करने से क्या होगा, ये क्या होंगे, इनकी रिएक्टिविटी लो हो जाएगी, मतलब इनकी स्टेबिलिटी आ जाएगी। ओके, ये आप कह सकते हो। तो हमारे पास क्या बन गया, ये एक रेडिकल बन गया ना, जैसे ये पहले रेडिकल था, अब ये रेडिकल बन गया, ये बन गया एल्काइल रेडिकल, ये बन गया हमारे पास एल्काइल रेडिकल। ओके, तो इस रिएक्शन के बेस पे हम इसको, रेडिकल को अलग अलग टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। ओके, देखो अभी देखो, हमने ये इसकी फॉर्मेशन की है एल्काइल रेडिकल की, ऐसे मिथाइल रेडिकल आप बोल सकते हो इसको, ये बना था ना। ओके, इसको हम ना काफी टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, जैसे यहां पे पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर इसके साथ अटैच्ड हो हमारे पास एक R, ओके, ये R को ना आप CH3 लिखो, फॉर एग्जांपल CH3 हमने ले लिया, एल्काइल ग्रुप और मिथाइल ग्रुप ले लिया। ओके, यहां पे रेस्ट ऑफ अदर्स आर हाइड्रोजन, इसके पास एक रेडिकल है, ये भी हो सकता है। ओके, दूसरा केस हो सकता है हमारे पास ये, कि दो हमारे पास मिथाइल ऐसे अटैच्ड हो और एक हाइड्रोजन हो ऐसे। ओके, फोर्थ केस ये हो सकता है कि तीनों ही हमारे पास क्या हो, इसके साथ अटैच्ड हो मिथाइल ग्रुप से ऐसे। ओके, अब ये हमारे पास टाइप्स होंगी इसकी। ओके, ये हमारे पास एल्काइल रेडिकल्स हैं, ये इनकी टाइप्स हैं। ओके, ये फ्री रेडिकल्स, हमने इनकी स्टेबिलिटी अब बतानी, कौन ज्यादा स्टेबल होगा। जैसे मैंने बोला था शुरू शुरू में कि अगर आपको कार्बोकैटायन के बारे में पता है तो आपको फ्री रेडिकल के बारे में भी पता लगेगा। ओके, क्योंकि दोनों ही सेम होते हैं। जैसे ऑर्डर हमारे पास कार्बोकैटायन का था ना स्टेबिलिटी में, वैसे ही सेम ऑर्डर होगा फ्री रेडिकल के केस में। क्या ऑर्डर था? टर्शरी, ग्रेटर देन सेकेंडरी, ग्रेटर देन प्राइमरी, ग्रेटर देन 0 डिग्री, ये था ना ऑर्डर। ओके, तो सेम ही केस इसी में लगेगा। यहां पे देखो ये 3 डिग्री है,
ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है और ये 0 डिग्री है। ये डिग्री का मतलब आपको पता ही है ना, ये टर्शियरी है, सेकेंडरी है, प्राइमरी और ये 0 डिग्री। टर्शियरी क्यों? क्योंकि इसके साथ क्या है, 3 एल्काइल ग्रुप्स हैं। 2 क्यों? इसके साथ 2 एल्काइल ग्रुप्स हैं। 1 क्यों? इसके साथ सिर्फ 1 ही एल्काइल ग्रुप है। 0 क्यों? क्योंकि इसके पास कोई भी एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। ओके, तो आपको पता है मैंने बोला था जब मैंने कार्बोकेटाइन पढ़ाया था तो क्या होता था कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कैसे कैसे हमने बताई थी। एक तो हमने बताया था कि जो एल्काइल ग्रुप था वो क्या करता, अपना प्लस एच मतलब अपना हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट और प्लस से इफेक्ट शो करता, उसकी वजह से स्टेबिलिटी आती थी। सेम ही केस हमने यहां पे लेना, जैसे हम इसकी एग्जांपल करते हैं, ये देखो यहां पे ये ऐसे है, इसको मैंने ओपन किया, ओके ये ऐसे बना, यहां पे एक रेडिकल है। ओके, तो क्या होगा नेक्स्ट टाइम में, यहां पे ना होमोलिटिक क्लीवेज हुई, ये ऐसे और ये ऐसे। ओके, तो क्या होगा, ये ऐसे बनेगा, यहां पे एक रेडिकल बन जाएगा ना इसके पास, यहां पे ऐसे, ये ऑलरेडी था यहां पे, ये ऐसे, ये था ना। अब ये मैंने बोला कि जब भी आपको कहीं पे भी 2 रेडिकल इकट्ठे मिले दिखते हैं तो क्या करो, उनको पेयर अप कर दो। तो क्या होगा, ये और ये पेयर अप करेंगे ऐसे और ये ऐसे। ओके, तो क्या होगा नेक्स्ट टाइम में, ऐसे यहां पे डबल बॉन्ड बन जाएगा ना और ये ऐसे, तो ये क्या बन गया, एल्कीन बन गया हमारे पास। ओके, ये तो ऑलरेडी था ना ये बॉन्ड। ओके, ये क्या हुआ, ऐसे जब पेयर अप की तो यहां पे एक बॉन्ड बन गया हमारे पास, तो बन गया हमारे पास सी और सी के बीच में डबल बॉन्ड, दैट इज एल्कीन मॉलिक्यूल बन गया। ओके, तो ये बन गया हमारे पास न्यूट्रल मॉलिक्यूल, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल बन गया और ये एल्कीन क्या होता है, स्टेबल होता है, और ये क्या है, स्टेबल है। ओके, तो जब हमारे पास रेडिकल्स बनते हैं वो वेरी रिएक्टिव होते हैं, और जब किसी भी रेडिकल को दूसरा रेडिकल मिलता है, ओके, तो वो क्या करते हैं, दोनों पेयर अप कर लेते हैं और हमारे पास न्यूट्रल मॉलिक्यूल बन जाता है, और न्यूट्रल मॉलिक्यूल क्या होता है, स्टेबल होता है, तो उससे स्टेबिलिटी आ जाती है। ओके, तो नेक्स्ट टाइम में क्या हो सकता है, जैसे ये यहां पे होमोलिटिक क्लीवेज हुई ना ऐसे, तो नेक्स्ट टाइम में क्या हो सकता है, ऐसे भी ब्रेकडाउन हो सकता है ना, ये ऐसे और ये ऐसे, ये हाइड्रोजन ऐसे बनेगा, देखो नेक्स्ट टाइम में ऐसे होगा ना, यहां पे देखो इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन बन गया ना, ऐसे एच रेडिकल बनेगा। ओके, तो यहां पे ये ऐसे, यहां पे इसके पास एक रेडिकल और इसके पास एक रेडिकल बनेगा। ओके, ये ऐसे बनेगा नेक्स्ट टाइम में, ये दोनों फिर पेयर अप करेंगे, फिर ये ऐसा मॉलिक्यूल बन जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट टाइम में और में क्या हो सकता है, ये ऐसे ब्रेकडाउन होगा होमोलिटिक क्लीवेज से, तो क्या होगा, ये ऐसे, ये रेस्ट ऑफ अदर्स आर हाइड्रोजन, मतलब एक ही टाइम पे एक ही होमोलिटिक क्लीवेज होगी ना। ओके, ये नेक्स्ट टाइम में ऐसे और ये ऐसे, ओके ये बनेगा, फिर ऐसे पेयर अप होके ये बन जाएगा हमारे पास। ओके, फिर एच रेडिकल बन जाएगा, मतलब जितने हमारे पास सिस्टम में अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी। मैंने पहले भी बताया था हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट में हम अल्फा हाइड्रोजन देखते हैं ना, देखो यहां पे फ्री रेडिकल है, यहां पे ये जो कार्बन जो फ्री रेडिकल के साथ अटैच होता है ना हमारे पास कार्बन, वो क्या होता है, अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन है। ओके, ये भी अल्फा कार्बन और ये भी अल्फा कार्बन, मतलब इस सिस्टम में 3 अल्फा कार्बन है हमारे पास। ओके, तो इनके साथ जो अटैच होंगे हाइड्रोजन वो भी अल्फा हाइड्रोजन होंगे। ओके, तो टोटल हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3 + 3 + 3 कितने हैं, 9 अल्फा हाइड्रोजन है। तो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी आती है। ओके, यहां पे लिख सकते हो मोर अल्फा हाइड्रोजन, ओके मोर स्टेबिलिटी, मोर स्टेबिलिटी। यहां पे ना एक आप ऐसे भी अटैच कर सकते हो वर्ड मोर अल्फा हाइड्रोजन, मोर हाइपर कंजुगेशन, मोर हाइपर कंजुगेशन, और जितनी ज्यादा हाइपर कंजुगेशन उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। ओके, आप ऐसे एक्सप्लेन करोगे तो फटाक से आंसर दे सकते हो। ओके, तो देखो यहां पे 9 अल्फा हाइड्रोजन है, यहां पे कितने हैं, ये भी अल्फा ये भी अल्फा। ओके, ये टोटल कितने हैं, 3 + 3 = 6, यहां पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है, यहां पे कितने हैं, सिर्फ ये एक अल्फा अल्फा कार्बन है, यहां पे इसके साथ कितने 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो यहां पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, और यहां पे तो कोई भी ऐसा अल्फा कार्बन नहीं है। ओके, तो अगर अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो स्टेबिलिटी नहीं होगी, यहां पे नो हाइपर कंजुगेशन, यहां पे कोई भी हाइपर कंजुगेशन नहीं होगी, तो इसी वजह से ये लीस स्टेबल है। और यहां पे 9 अल्फा हाइड्रोजन है, तो कितने ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा ना इसके, वो ज्यादा हाइपर कंजुगेशन होगी तो उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी हमारे पास। ओके, तो कह सकते हो कि फ्री रेडिकल के केस में भी हमारे पास जो ऑर्डर होगा स्टेबिलिटी का वो क्या होगा, टर्शियरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी एंड लास्ट सबसे लास्ट में 0 डिग्री। तो ये आपने ऑर्डर करना है याद, जो कि सेम ऐसे कार्बोकेटाइन के केस में। तो जैसे हमारे पास कार्बोकेटाइन होता है वैसे ही क्या होता है, फ्री रेडिकल होता है। ओके,
देखो जैसे हमने कार्बोकोटाइन का स्ट्रक्चर देखा था, उसका स्ट्रक्चर कैसा था? ऐसा था ना ट्राइगोनो प्लेनर, ऐसे ये था यहाँ पे पॉजिटिव, ये यहाँ पे ऐसे 120 डिग्री, क्यों? यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन थी इसकी। ओके, तो सेम ही केस यहाँ पे कंसिडर करना है कि हमारे पास क्या है। अब इसके पास तो इसके p ऑर्बिटल में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं था, अब यहां पे क्या है इसके p ऑर्बिटल में एटलीस्ट एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो जब एक इलेक्ट्रॉन होगा तो ये खत्म हो गया। ओके, तो यहां पे क्या होगा, मतलब इसका जो पॉजिटिव चार्ज था एक इलेक्ट्रॉन ने न्यूट्रलाइज कर दिया, तो पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया। ओके, तो यहां पे एक क्या हो गया हमारे पास इलेक्ट्रॉन आ गया। ओके, तो यहां पे क्या होगा, सेम ही जैसे हमारे पास कार्बोकोटाइन का स्ट्रक्चर था वैसे ही क्या होगा फ्री रेडिकल का होगा। जैसे हम एक्सप्लेन करते हैं, देखो ये ऐसे होगा, ये हम बात कर रहे हैं CH3 इसकी। ओके, दो हाइड्रोजन ऐसे होंगे, एक हाइड्रोजन ऐसे होगा। ओके, इसके पास क्या है, इसके पी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है ऐसे, मान लो ये होगा हमारे पास PZ ऑर्बिटल होगा इसका। ओके, तो क्या होगा, जैसे आपको पता ना CH4 की हाइब्रिडाइजेशन पता होगी, sp3 होती है। sp3 कैसे होती है, क्योंकि यहां पे इस p क्या होता है px py pz, आपको पता ही ऐसे सब शेल होती है आगे। ओके, तो मतलब क्या है, इसमें जो हमारे पास 3 के 3 हमारे पास जो सब शेल है वो पार्टिसिपेट कर रही है हाइब्रिडाइजेशन में, इसी वजह से p3 था। ओके, अब यहां पे क्या है, अगर z पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ओके, तो इसी वजह से क्या होगा, इसको हम बोल सकते हैं अनहाइब्रिडाइज्ड। ये क्या है, अनहाइब्रिडाइज्ड, ये अनहाइब्रिडाइज्ड pz ऑर्बिटल है जिसके पास क्या है एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो जब इसको कहीं से भी एक ऐसा अनपेड इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो वो क्या करेगा, पेयर अप कर लेगा और क्या बन जाएगा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल, जैसे हमने इस केस में किया था। ओके, तो यहां पे क्या है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन काउंट करना है 1 2 3। 3 के लिए क्या होता है sp2, ये मैंने पहले भी बताया जब मैंने हाइब्रिडाइजेशन करवाई थी ना फ्री रेडिकल्स की। जैसे यहां पे देखो, अगर आपके साथ एग्जांपल आती है ऐसे, अगर आपके पास ऐसे एग्जांपल आती है, मान लो ये ऐसे, ये सी ऐसे F3, CF3 रेडिकल है, तो मैंने बोला था कि जब हमारे पास कोई भी रेडिकल सिस्टम है उसके पास इलेक्ट्रॉन नेगेटिव अगर एटम है या ग्रुप है तो क्या होगा, हमने फ्री रेडिकल को काउंट करना है, अगर उसके पास नहीं होगा तो हमने काउंट नहीं करना। तो यहां पे इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखो 1 2 3 एंड 4, 4 के लिए क्या होगा sp3, तो CF3 रेडिकल की जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो क्या होगी sp3। बट यहां पे तो कोई भी ऐसा इसके साथ कोई भी अटैच नहीं है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम, तो यहां पे हम इसी वजह से हमने फ्री रेडिकल को काउंट नहीं किया हाइब्रिडाइजेशन में। ओके, तो यहां पे 1 2 3 3 के लिए क्या होगी sp2, ठीक है, जो कि सेम एज है इन केस ऑफ कार्बोकोटाइन। ओके, तो यहां पे इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp2, तो इसी वजह से इसकी जो हमारे पास ज्योमेट्री होगी, मतलब इसकी जो शेप होगी वो क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। तो इसकी ज्योमेट्रिक है ट्राइगोनो प्लेनर, जो हमने डिस्कस की थी कार्बोकोटाइन के केस में। ओके, तो आई थिंक इतना बेसिक पोर्शन काफी होगा फ्री रेडिकल को एक्सप्लेन करने के लिए। ओके, जैसे अगर आपको क्वेश्चन आते हैं, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी पे, जैसे हमने क्वेश्चन सोल्व किए थे ट्रिक के साथ कार्बोकोटाइन के केस में, वैसे ही आप लॉजिक लगाओगे फ्री रेडिकल में तो आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके, तो आप छोड़ो मत। ओके, जैसे हमने सोल्व किया था क्वेश्चन कार्बोकोटाइन का, वैसे ही सेम अप्रोच करनी है फ्री रेडिकल के केस में। ओके, क्योंकि देखो एग्जाम में ना जो हमारे पास जो क्वेश्चन आते हैं फ्री रेडिकल पे, उनकी स्टेबिलिटी वो कम आते हैं। ओके, वो सिंपल आपको पूछ सकते हैं कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकती है, इसका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, ये कैसे जनरेट होता है। ओके, थोड़ी बहुत रिएक्शन करवा के देख सकते हैं। वैसे जनरली जो हमारे पास जो स्टेबिलिटी पे क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं कार्बोकोटाइन के ऊपर। ओके, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए थे, काफी क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, और कार्बन 9 के ऊपर वो भी हमने काफी क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, तो वो आप अच्छे तरीके से कर लो। ओके, तो फ्री रेडिकल की इतनी टेंशन नहीं है। ओके, सिंपल इसमें बेसिक क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको काफी हेल्पफुल रही होगी। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।